प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भारत की शानदार जीत पे हम देखेंगे पाकिस्तानियों का बड़ा जबरदस्त और मजेदार रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। बदला पूरा हो गया और उन्होंने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट आपको एक तमाचा मुंह पर मारा कि अब आप कहें कि हमारा फेवरेट ओपोनेंट है, अब आपको हार के कैसा लगेगा। ऑस्ट्रेलिया ना बड़ा एरोगेंट बनता था ये वो, मतलब इंडिया को उन्होंने बड़ा लिया हुआ था, इजी लिया हुआ था कि इंडिया टीम है ही कुछ नहीं, वो ही बस ठीक है एक वर्ल्ड कप क्या जीत जाते हैं, इन्हें लगता है कि यही जीत चले जाएंगे। लेकिन आप बड़ा बात करने के अल्फाज है, आप खुद सोचे आज ऑस्ट्रेलिया का क्या हाल हो गया है, इंडिया ने क्या उसको कर दिया है भाई। उसकी तो नानी याद दिला दी, वो मर गई है नो डाउट, बट याद दिला दिया उन्होंने कि ये तुम्हारी नानी थी, वो नानी थी, अब हम तुम्हारे अब्बा जी हैं, हमारी बात सुनो। बिकॉज वी नो कैसे हराते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया की टीम को। ऑस्ट्रेलिया के बड़े पंख निकले हुए थे, बड़ी गुरमगरूरी टीम बनी हुई थी, बट मेरे ख्याल में पहले रोहित ने उनका गरूर तोड़ा, फिर पांड्या ने तोड़ा, फिर स्काई ने तोड़ा, फिर हर्षदीप ने तोड़ दिया। मतलब चल क्या रहा है आज की, आज मैच देखे आप सरप्राइज हुए हैं कि इतना बड़ा अपसेट आपको देखने को मिला। कल देखने को मिला अफगानिस्तान ने अपसेट कर दिया और आज इंडिया ने, भाई इंडिया तो मतलब व्हाट अल्फाज नहीं आज आपके पास। इतने बड़े बड़े नामवर आईपीएल के प्लेयर्स, 24 करोड़ में बिकने वाले प्लेयर्स को आज इतने साथ साथ छक्के चौके लग रहे हैं भाई। हो क्या रहा है पैट कमिंस भाई साहब, आप हैट्रिक करने वाले हैं। स्टॉक का अपडेट हुआ है सिस्टम रोहित शर्मा के हाथ से भाई, ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है कि उसकी आने वाली सालों साल की नस्लें याद रखेंगी। ये सॉफ्टवेयर उसका करियर तबाह होते हुए देखे आज आपने, डेफिनेटली सी बात है। साथ में बात करेंगे पैट कमिंस की, भाई तो दो बार हैट्रिक लगा चुके हैं, आज हैट्रिक से बीमारी पड़ रही थी, तू थोड़ी और लगा देता भाई जाके ऊपर, इतने 100 मीटर का छक्का खा लिया, ये तुम्हारी हैट्रिक है। तुमने मतलब कि पिछली बार जो कहा वो किया, इस बार जो कहा वो किया ही नहीं है। मतलब आप हम भी कहेंगे ऑस्ट्रेलिया ने ये देखे, इस मैच में बहुत सारी चीजें हुई है जो कम बैक हुआ है हिंदुस्तान का। अक्षर पटेल का वो कैच दोस्तों, आए हाय, अक्षर पटेल की पतली लुली सदके जाए पतली लुली क्या कैच पकड़ा है पतली लुली ने भाई, हमें लग रहा था सिक्स हो गया, लेकिन भाई क्या उल्टे हाथ का जंप वाला कैच पकड़ा और उसी कैच के बाद से पूरा गेम ही चेंज हो गया भाई। और भाई कुलदीप यादव का इस लंगड़े को आउट करना, ये देखे ये आईपीएल में इसने पैसे लिए थे लेकिन रन्स नहीं बना रहा था, 0-0 पे साला आउट हो रहा था, लेकिन यहाँ देखे ये लंगड़ा साला अपनी पुस्की कभी स्वीप शॉट मार रहा है, रिवर्स शॉट मार रहा है, उल्टे शॉट मार रहा है, ऐसे शॉट ऐसा लग रहा है कि भाई कोई नाच रही है यहाँ पे, कोई छमिया नाच रही है लेकिन कुलदीप यादव ने कहा कि बेटा मैं तेरा बाप हूँ, ऐसी बॉल कराऊंगा कि तुझे पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आया कहाँ से घुसा क्या जबरदस्त कैच पकड़ा है जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग पे रोहित शर्मा ने, और उसने हेड को देखते हुए आंखों ही आंखों में जो है टपाटप कर दिया, चल भाई हाफ बिरयानी तू पहले निकल मजा आ गया भाई, मजा आ गया, लव यू यार हिंदुस्तान, लव यू। अब यार बस अफगानिस्तान को ना बांग्लादेश से जीतना है, और बांग्लादेश वालों यार तुम लोगों को फायदा भी नहीं है ये मैच जीतने का हमने कभी मैच फिक्सिंग नहीं की है, आज फिक्स कर लो हमारे साथ भाई वेल डन भाई, वेल डन, कांग्रेचुलेशन। आज इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा कर ऑस्ट्रेलिया का गरूर पाश पाश कर दिया है और इंडिया ने 2023 के वर्ल्ड कप का बदला ले लिया है ऑस्ट्रेलिया से। पहले ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान ने छठी का दूध याद कराया और आज जो है इंडिया ने अच्छी खासी धुलाई की है ऑस्ट्रेलिया की। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अरमगान मौजूद है। अरमगान क्या कहेंगे, आज इंडिया ने अपनी 6-6 की स्ट्रीक बरकरार रखी, पहले आयरलैंड, फिर USA, फिर बांग्लादेश, फिर अफगानिस्तान, एक के बाद एक टीम को हरा कर आज इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का भी पत्ता साफ कर दिया है। मैं कहता हूँ मैम मैं तो हैरान हो गया हूँ कि उन्होंने कर क्या दिया, मतलब कि 6-6 उन्होंने कोई एक मैच नहीं आ रहे, जिस तरह वो वर्ल्ड कप में कोई एक मैच नहीं आ रहे थे, एंड पे जाके ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हार गए थे, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ जो कर दिया ना, मैं कहता हूँ खीर कर दिया, मज़ा आ गया। कोई मतलब कि मैडम मैं सोच ही नहीं सकता कि यार उन्होंने 6-6 कोई एक मैच भी उन्होंने मिस नहीं किया, मतलब कोई एक मैच नहीं आ रहे, इतने वो स्ट्रॉन्ग थे। हालांकि विराट कोहली इस दफ़ा इतना नहीं चला, वो ना उससे कोई सेंचुरी हो पाई ना कोई इतना हो पाया, लेकिन यार मैं कहता हूँ खीर, मतलब जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ वाला काम हो गया मैम, बहुत मज़ा आया देख के, पूरा T20 ने इंजॉय करा दिया इंडिया ने। मैं कहता हूँ आई लव यू यार इंडिया टीम वालों, तुम लोग ब्रांड बन चुके हो, हम लोग पाकिस्तानी हैं, मैं नहीं
कोई और मेरे साथ हम चाहे मेरे दोस्त वगैरह पाकिस्तानी टीम को बहुत सपोर्ट करते हैं, बट मैं पाकिस्तानी टीम पर लानत भेजता हूँ क्योंकि ये है ही लानत के काबिल। ये लोग ना कुछ कर सकते हैं और ना इन्होंने कुछ करना है। इंडिया वाले जो है ना वो मैं कहता हूँ खीर मतलब यार एक ब्रांड बन चुके हुए हैं कि छः के छः मैच को एक तो हार जाते यार। ये आज का मैच जो था वो बड़ा तगड़ा समझा जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा और चांसेस थे कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हरा सकता है, लेकिन इंडिया जिस जज्बे के साथ जिस पैशन के साथ ग्राउंड में उतरा आज उन्होंने ना ऑस्ट्रेलिया को जो है वो 2023 का बदला ले लिया ऑस्ट्रेलिया से। वही मैडम आपने मेरे मुंह की बात कर दिया कि इंडिया ने बदला लेना ही लेना था, वो कभी छोड़ने वाला मुल्क नहीं है और खास तौर पे स्पोर्ट्स में क्या अदरवाइज भी जो उनके मामला आते हैं वो किसी में पीछे नहीं रह रहे, सबसे टॉप पे निकलते जा रहे हैं। वो एक उनकी इकोनमी इतनी कोई ब्रांड बनती जा रही है कि हम पाकिस्तानी रोटी को तरस रहे हैं और वो लोग चांद पे पहुंच रहे हैं। मतलब ये बातें तो हो गई ना साइड पे, काम करते हैं स्पोर्ट्स की बात। तो ये ऑस्ट्रेलिया से बदला लेना ही लेना था उन्होंने मैडम, मैं कहता हूँ खीर मजा आ गया। आई लव यू इंडिया टीम वालों। अफगानिस्तान वालों ने आपने देखा कि क्या हाल किया ऑस्ट्रेलिया का, कहाँ गया ऑस्ट्रेलिया की नंबर वन बैटिंग। मैं कहता हूँ इंडिया वालों ने अफगानिस्तान वालों ने जूतियां मारी हैं, आखिर मजा आ गया। मैक्सवेल जो तेरे साथ हुई है ना बड़ा तू बना था अफगानिस्तान को, तूने 200 कुछ स्कोर से डाया था, कैसा उन्होंने अंदर दिया, मजा आ गया आखिर। मैं कहता हूँ आखिर मजा, मैम मेरे से बात अल्फाज ही नहीं है मेरे बात करने के लिए कि उन्होंने कर क्या दिया, उनके साथ बहुत मजा आया। कहते हैं कि गरूर का सर नीचे होता है ऑस्ट्रेलिया ने 2023 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद जिस तरह ट्रॉफी को अपने पैरों के नीचे रखा था, इसी तरह आज इंडिया ने और फिर उससे पहले जो अफगानिस्तान ने इनको इनकी औकात दिखाई है कि तुम लोगों की क्या औकात है। वही ना मैम, ये तो सिर्फ एक ट्रॉफियां लेके खुश हो रहे हैं, उन्होंने असल बताया है इनको कि आओ मैदान में इस तरह आते हैं। वो तो सिर्फ कुछ क्या कहते हैं, इंडिया वालों ने कहा था कि यार हमारे मुल्क में आए हैं ये लोग खेलने, उन्होंने जाने दिया फाइनल, नहीं तो इनकी ये भी औकात नहीं थी कि वो फाइनल जीत जाते। और अफगानिस्तान ने भी अपना बदला लिया, ये मुझे याद आ गया कि जो इन्हें मैक्सवेल ने उनके साथ किया था ना आज उन्होंने भी वही कर साबित दिया है कि हम लोग भी तुम्हारे बाप हैं, खाली तुम लोग ब्रांड नहीं, हम तुमसे डबल ब्रांड है। मजा आ गया। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और भारत की शानदार जीत पे पाकिस्तानियों का ये रिएक्शन आपको काफी मजेदार लगा होगा और ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगी, जहाँ पे आपने देखा भारत की जीत पे पाकिस्तानी काफी जबरदस्त रिएक्शन देते नजर आए और काफी खुश नजर आए। और हम जानते हैं कि हमारी टीम ने बहुत ही जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया और ऑस्ट्रेलिया को हरा के भारत सेमीफाइनल में पहुंच गई है और इस वर्ल्ड कप में भारत अभी तक एक भी मैच नहीं आ रही, और हम यही उम्मीद करेंगे कि ये सिलसिला जारी रहे और भारत इस बार वर्ल्ड कप जीतकर ही वापस आए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।